हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। काफ़ी लंबे गैप के बाद आज दोबारा हाजिर हैं हम एक नए व्लॉग के साथ। आज यहाँ रियाज में मौसम बहुत ही खूबसूरत था, सुबह से बारिश हो रही थी, तो यही प्लान किया कि कहीं चलते हैं बाहर। ये जो आप देख रहे हैं ये किंग सलमान पार्क है, ये रियाज शहर के बिल्कुल ही करीब है। जो मदीना मुनवरा के लिए रोड निकलती है जिसको अल कसीम रोड भी कहते हैं, ये उसके ऊपर वाक़ है। और अभी चूंकि अफ्तार का भी टाइम होने वाला है, अभी जल्दी से उसकी अफ्तार की तैयारी करते हैं। जो कुछ भी अवेलेबल था वो जल्दी से गाड़ी में रख कर हम यहाँ ले आए हैं, तो अभी देखते हैं कुछ चीज़ें प्रिपेयर करने वाली हुई तो वो प्रिपेयर कर लेंगे। कैंप वगैरह भी लगा लेते हैं क्योंकि बारिश का मौसम है, अगर बारिश आती है तो जो खाने की चीज़ें हैं वो सारी भीग जाएंगी। अभी चलते हैं जल्दी से कैंप लगाते हैं और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। जिस चीज़ का डर था वही हुआ और बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। कैंप हमारा अभी तक लगा नहीं है। बहुत ही खूबसूरत पार्क है ये किंग सलमान पार्क। आप देखें बिल्कुल नेचुरल ग्रीनरी है, सामने बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। लेकिन एक और बात ये कि थोड़ा सा डेंजरस भी है इस तरह की। अगर आप देखें तो काफ़ी सारी केव्स आपको यहाँ नज़र आती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है और बिल्कुल वाइल्ड है, तो यहाँ वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो भी हो सकते हैं। इसलिए जब भी अगर आप यहाँ आएँ तो आपको बहुत ही केयरफुली अपने यहाँ जो स्पॉट है या जगह उसको चूज़ करना है। ये केव्स वगैरह मैं दिखाने के लिए नीचे आया था और ये सामने ऊपर हमारा लगा हुआ है कैंप। जैसे आप देख रहे हैं कि कैंप वगैरह लग गया है, लेकिन साथ ही सूरज भी निकल आया है। लेकिन अभी चूंकि सिर्फ आधा घंटा है अफ्तारी में, बड़ी जल्दी ये ग्रुप हो जाएगा और बारिश के चांसेस हैं भी। कुछ चीज़ें हम ले आए थे रेडीमेड ऑलरेडी और कुछ चीज़ें भी बनानी हैं। जल्दी से हम ये अपना सेटअप लगाते हैं और तैयार करते हैं चीज़ें। अफ्तारी में चूंकि पकोड़े जो हैं वो एक लाजमा मलजूम हिस्सा है, तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पकोड़े बनाने की। इसमें पहले आयल डाल लेते हैं थोड़ा सा। बिस्मिल्लाह। वाह जी वाह, बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए हैं पकोड़े। अफ्तारी से पहले तो ये बहुत मज़े के लग रहे हैं। अभी देखते हैं रोज़ा खुलता है और फिर इसको खा के देखते हैं कि कैसा इनका टेस्ट है। जल्दी से जो दोबारा भी डाल देते हैं ताकि ये बनते रहे साथ साथ में। ऑयल इस वक्त फुल गर्म हो गया हुआ है। पहले जो पकौड़े हैं वो लगता है कि ज़्यादा अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। अफ्तारी में जी हमारे पास वाटरमेलन है, फ्रूट चाट है और पकौड़े हैं जो अभी तैयार हुए हैं, और इसी तरह ये रोल्स हैं और ये चना चाट है। और अभी आप अगर इस तरफ़ देखें तो सूरज जो है बिल्कुल ग़ुरूब होने वाला है।
तकरीबन 5 मिनट जो हैं वो बाकी हैं रोज़ा खुलने में। जी मगरिब की अजानें शुरू हो गई हैं और अफ्तारी का टाइम हो गया है और अभी करते हैं जल्दी से अफ्तारी और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। जी अभी नमाज मगरिब अदा कर ली है आपने, चूँकि देखा जैसे हमने अफ्तारी वगैरह सारी तैयार की यहाँ आके। आज चूँकि मौसम बहुत ही अच्छा था, यहाँ रियाज में साल के इस हिस्से में आके गर्मी होने लग जाती है, लेकिन इस साल अभी तक बारिश हो रही है जो कि इटसेल्फ बहुत अमेजिंग है। और अगर ये बारिश और ये मौसम रमज़ानुल मुबारक में आता है तो उसका मज़ा और भी दुबाला हो जाता है। तो उसी चीज़ को हमने कवर करने के लिए और चैनल के ऊपर भी आपके साथ कोई ज़्यादा वीडियोस रीसेंट टाइम में शेयर नहीं हो सकी थी, तो सोचा कि हम एक एक्टिविटी करते हैं, उसको कवर करते हैं और वो फिर आपके साथ भी उसको हम शेयर करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चूँकि चैनल ट्रैवल और प्लेसेस से रिलेटेड है, हम अगर यहाँ डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं सऊदी अरेबिया में या सऊदी अरेबिया से बाहर, वो भी फिर आपके साथ शेयर करेंगे और बहुत सारी इस तरह की वीडियोज़ जो है चैनल के ऊपर आने वाली हैं, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।